आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन बोला गया है हमसे कि HNO3 के निर्माण की हमें विधि का सचित्र वर्णन करना है, ठीक है। और हमें बोला गया है कि कार्बन के साथ और H2S के साथ और आयोडीन से जो HNO3 है वो किस प्रकार क्रिया करता है, तो उसकी जो समीकरण है अभिक्रियाओं की वो भी हमें लिखनी है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले HNO3 के निर्माण की विधि का सचित्र वर्णन। तो देखो, हम देखते हैं इस चित्र के द्वारा। देखो, इस चित्र में सबसे पहले हमें तीन कक्ष दिए गए। एक कहलाता है उत्प्रेरक कक्ष, दूसरा कहलाता है ऑक्सीकरण कक्ष, ठीक है, और तीसरा कहलाता है अवशोषण कक्ष, ठीक है। अब इन कक्षों में देखो क्या होता है। सबसे पहले हम यहाँ पे देखो, आपको दिख भी रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि अमोनिया तथा वायु, यानी कि जो NH3 है, NH3 और ऑक्सीजन को हम इसमें प्रवाहित करते हैं, मगर कितने रेशो में, 1:8, यानी कि 1:8 के रेशो में हम यहाँ पे अमोनिया और ऑक्सीजन को प्रवाहित करते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक प्लेटिनम की जाली लगी हुई रहती है, तो यहाँ से होकर जब ये अमोनिया और ऑक्सीजन जो है जब होकर निकलती है, गुजरती है, तो ये जो गैस बनाती है, तो वो जो गैस, और हाँ, यहाँ पे कौन सी गैस बनती है, यहाँ पर बनती है NO, यानी कि यहाँ पे बनती है नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है। जब ये नाइट्रिक ऑक्साइड बनती है, तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड आगे जाकर ये दूसरे ऑक्सीकरण कक्ष में जाती है। अब ऑक्सीकरण कक्ष में क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा, तो जब NO जो होता है उसका जब ऑक्सीकरण होता है यहाँ पर, तो ये जो NO है वो किस में चेंज हो जाती है, ये होती है NO2 में बदल जाती है, ठीक है, NO2 में बदल जाती है। अब NO2 जो है जब वो आगे जाती है, यानी कि जो अवशोषण कक्ष में जाती है ये, तो यहाँ पर क्या होता रहता है, यहाँ पे कंटिन्यूसली जल की जो है बौछार होती रहती है। देखो यहाँ पर जल की जो है नली लगी हुई है, तो यहाँ पे कंटिन्यूस जल की बौछार होती रहती है, तो जो NO है वो जल से मिलकर, NO2 जो है वो जल से मिलकर क्या बनाती है, वो बनाती है HNO3, यानी कि नाइट्रिक अम्ल बनाती है। और यहाँ से जो है हम तनु नाइट्रिक अम्ल, इस द्वार से तनु नाइट्रिक अम्ल हम प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। देखो एक और बार देख लेते हैं हम, यहाँ पे NH3 और O2 जो होती है वो 1:8 के रेशो में हम लेते हैं, इसको उत्प्रेरक कक्ष में भेजते हैं, यहाँ पे प्लेटिनम की जाली लगी हुई होती है और 800 डिग्री सेल्सियस पर इसको गर्म किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर जब गर्म करेंगे तो ये जो है ये NO बन जाती है, यानी कि नाइट्रिक ऑक्साइड बन जाती है ये। अब जो ये नाइट्रिक ऑक्साइड जो होती है आगे बढ़ती है, यानी कि ये जाती है ऑक्सीकरण कक्ष में, तब इसका क्या होता है, ऑक्सीकरण हो जाता है, और जब ऑक्सीकरण होता है तो वह NO2 बन जाती है, यानी कि ऑक्सीकरण होने के बाद ये NO2 बन जाती है। तो अब जब NO2 जो होती है जब ये आगे जाती है, तो यहाँ से जो अवशोषण कक्ष होता है इसमें क्या होता है, जल की कंटिन्यूसली बारिश होती रहती है, तो जल के साथ NO2 मिलकर ये बनाती है HNO3, ये यानी कि नाइट्रिक अम्ल। हमें यही तो चाहिए था, हमें नाइट्रिक अम्ल ही चाहिए, तो यहाँ से हम तनु नाइट्रिक अम्ल प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। ये तो हुआ हमारा HNO3 का निर्माण। अब हम दूसरा आगे पढ़ते हैं कि कार्बन H2S और आयोडीन से किस प्रकार कार्य करता है, तो ठीक है ये देखते हैं। देखो सबसे पहले हमें बोला गया था कि कार्बन से, तो जब HNO3 को कार्बन से हम क्रिया करवाते हैं, HNO3 की कार्बन से अगर क्रिया होती है, तो देखो क्या मिलता है हमें यहाँ पे, हमें यहाँ पे मिलता है CO2, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, NO2 और H2O जो होता है वो निकल जाता है, ठीक है। तो ये तो हुई हमारी कार्बन के साथ। दूसरा हमसे देखो यहाँ पे सेकंड में बोला गया है कि H2S के साथ हमें करवानी है HNO3 की। अब जब H2S के साथ HNO3 की करवाते हैं, तो देखो यहाँ पर H2S के साथ HNO3 की करवाई, तो यहाँ पे हमें मिलेगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, यानी कि NO2 और H2O मिलेगा, प्लस सल्फर भी इसमें निकल जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा, एक बार देख लेते हैं, बैलेंस है नहीं है, 2, ठीक है, H2S है, ओके, 2, 4, ओके, 2, 4, ओके, S, ठीक है। तो ये हो गया। अब थर्ड हम देखते हैं, थर्ड में हमें बोला गया है कि आयोडीन से। अब देखो लास्ट हमें करवानी है आयोडीन से, ठीक है। तो देखो आयोडीन से करवाने में HNO3 की जब I2 यानी कि आयोडीन से हम अभिक्रिया करवाते हैं, तो देखो यहाँ पे हमें मिलता है HIO3, 10NO2 और 4H2O, यानी कि आयोडीन, आयोडिक एसिड मिलता है ना, NO2 यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलता है, या और H2O यानी कि जल का अणु भी इसमें बाहर निकल जाता है,
ठीक है, तो ये तो हो गया, एंड आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू। कक्षा छठी से बारहवीं से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।